वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर सेकंड दो ध्रुवीयता का अंत शुरू करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का भाग वन है, ठीक है, इसे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे दो इमेजेस दे रखी है, एक तरफ USSR दे रखा है और एक तरफ अमेरिका। तो बेसिकली हुआ क्या था, दो ध्रुवीयता का अंत एक्चुअली 1991 के बाद USSR खत्म हो गया था। तो हम इसे शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो दो ध्रुवीय विश्व का उदय होने की सबसे बड़ी वजह क्या आती है, देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर का होना। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, दो महाशक्तियां सामने आ गई थी, एक तरफ पूंजीवादी USA और एक तरफ साम्यवादी USSR। ये दोनों सामने आ गए थे और लड़ाई को लड़ रहे थे। इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए इतने हद तक ये लोग आगे आ गए कि एक दूसरे से परमाणु हथियारों को लेकर भी लड़ने लग गए। शीत युद्ध की लड़ाई इतनी बड़ी क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह थी बर्लिन की दीवार का निर्माण। देखो जो बर्लिन की दीवार थी, बर्लिन बेसिकली क्या थी, जर्मनी की कैपिटल थी। बर्लिन की दीवार को बनाया किसके द्वारा गया था, बर्लिन की दीवार को USSR द्वारा बनाया गया था 1961 में, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये बर्लिन की दीवार है। इस बर्लिन की दीवार को क्यों बनाया गया था, देखो इसे बर्लिन की दीवार को इसलिए बनाया गया था ताकि जो साम्यवादी USSR है, ठीक है, वो पश्चिमी के देशों यानी अमेरिका जैसे देशों को अपने यहाँ पे आने से रोक सके। क्योंकि शीत युद्ध जो था वो अमेरिका और USSR के मध्य लड़ा जा रहा था और ये ज़्यादा, आप कह सकते हो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कभी भी तनाव का या हॉट वॉर का रूप ले सकता था, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो जो जर्मनी थी वो दो हिस्सों में थी, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी जर्मनी USSR, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका और पूर्वी जर्मनी USSR के पास थी। अब क्या होता है, जो जर्मनी के अंदर बर्लिन की दीवार थी उसे 1989 में जर्मनी की जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी थी उसकी आम जनता द्वारा गिरा दिया गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि व्यक्ति हैमर इनके हाथ में हथौड़ा और ये दीवार को गिरा रहे हैं, और दीवार गिराते ही इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया, दोनों का एकीकरण कर दिया, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली। देखो जो सोवियत प्रणाली थी वो किसकी थी, USSR की थी। सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है, देखो सोवियत प्रणाली सिंपल से शब्दों में हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रणाली जहाँ पे सभी संसाधनों का अधिकार सरकार के हाथों में होता है, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास जो पॉइंट है, सोवियत प्रणाली क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी और समाजवाद यानी साम्यवादी व्यवस्था का पालन करती थी। देखो USSR का मानना था जो USA है और USA की जो विचारधारा है कैपिटलिस्ट पूंजीवाद, वो गलत है क्योंकि सारे संसाधन सरकार के हाथों में होने चाहिए ताकि सरकार संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर सके और अपनी मर्जी से जितना हो सके अपने संसाधनों को अच्छे कार्य में लगा सके। जैसा कि USSR मानता था, अगर संसाधन निजी व्यक्तियों के हाथों में है जैसा कि अमेरिका में है, तो व्यक्ति केवल अपने स्वयं के लालच में स्वयं की भलाई के लिए उन संसाधनों का यूज़ करेंगे, उन संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोइट करेंगे, उन संसाधनों का शोषण करेंगे, ठीक है। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था, देखो सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जैसा कि आपको पता होगा जो USSR था वो दुनिया का पहला देश था जिसने अपने यहाँ पे 5-year पॉलिसी, हालांकि वहाँ पे 4 साल की पॉलिसी बनाई गई थी 1924 to 1928, जैसे कि इंडिया में 5-year पॉलिसी होती है, पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना को सबसे पहले USSR द्वारा बनाया गया था। तो USSR ने क्या करा था, अपनी इस प्रणाली को नियोजित अर्थव्यवस्था का रूप दिया था। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, देखो सिंपल से शब्दों में नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब है क्या है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, यानी सारी चीज़ों का कुशलतम रूप से प्रयोग करना, ठीक है, सारे वर्क का ढंग से डिफाइन करना कि कौन सा कार्य कैसे किया जाना और कैसे नहीं किया जाना है। अच्छा देखो USSR के अंदर, थर्ड पॉइंट, USSR के अंदर एक पार्टी का दबदबा था, वो एक पार्टी कौन सी थी, वो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। साम्यवादी को इंग्लिश में कम्युनिस्ट कहा जाता है। तो आपको इसके पता होगा कि चाइना के अंदर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या USSR जो इस समय रूस है, ऐसी कंट्री में जो भी XYZ पर्सन नेता बनता है, लीडर बनता है यानी प्रधानमंत्री बनता है चाइना के सेंस में और USSR के सेंस में जो राष्ट्रपति बनता है, वो जब तक रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाते, इट मीन्स वहाँ पे पार्टी एक है, तो फिर अलग कोई रिप्रेजेंटेटिव कैसे आ सकता है, ठीक है। तो एक पार्टी का दबदबा होना तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक पार्टी का अगर दबदबा होगा तो जो भी वर्क है उसे आसानी से किया जा सकता है। ओके, बेरोजगारी का ना होना,
देखो बेरोजगारी का ना होना इसकी क्या वजह थी, देखो आप खुद को, आपको पता है अगर सारे संसाधन सरकार के हाथों में होंगे तो क्या होगा, सरकार उनका कुशलतम प्रयोग करेगी, और जब उनका सरकार कुशलतम प्रयोग करेगी तो क्या होगा, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो चीज़ों को लगा सकेंगे। तो क्या होता है, USSR के अंदर जो संसाधन थे उसका प्रॉपर वे में यूज़ होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे हर व्यक्ति के पास रोज़गार था, बेरोज़गारी ना के बराबर थी, क्योंकि सरकार को पता था कि देश की जनसंख्या कितनी है, देश के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है और कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं है, जिसकी वजह से USSR के अंदर जो बेरोज़गारी थी वो ना के बराबर थी। ओके, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाओं का होना, देखो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं क्या होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयां, शिक्षा, तो आपको पता है कि USSR के अंदर ये सारी ज़रूरतें कौन प्रोवाइड करवाता था, वहाँ की सरकार प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है। तो वहाँ की सरकार ने शिक्षा के लिए, शिक्षा का क्या कर रखा है, ऑलमोस्ट शिक्षा केंद्रीय सरकार के, मतलब वहाँ पे जो भी XYZ पार्टी है उसके पास होती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, और वो शिक्षा का पूर्ण रूप से अपने पास एकाधिकार रखते हैं, यानी इंडिया की तरह नहीं है कि प्राइवेट स्कूल अलग गवर्नमेंट स्कूल अलग, ठीक है, कि प्राइवेट स्कूल में 25% सीट रिजर्व कर दी जाएगी गरीब बच्चों के लिए और वो वहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि USSR जैसे देश में क्या होता था, सारी चीज़ें सरकार के हाथों में होती थी, सरकार डिसाइड करती थी कि किसके पास कितने स्किल्स हैं और किसे किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, रोटी, कपड़ा, ठीक है, मकान, ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा दी जाती थी। हमारे यहाँ नहीं कि हमारे यहाँ इंडिया में तो हम खुद ही घर बना लेते हैं, घर किसी भी तरह का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट USSR जैसी कंट्री में इन घरों को प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर दिया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था। उन्नत संचार प्रणाली, उन्नत संचार प्रणाली का मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि आजकल हमारे यहाँ डिजीज़ चल रही है, ठीक है, वायरस कहते हैं इसे, COVID-19 कोरोना। अब आपको पता है जैसे मानो दिल्ली के किसी पार्ट में कोरोना बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर रहा है, और अगर ये बात आपको पूरे इंडिया में बतानी है तो आप इसका सबसे बेस्ट वे क्या मानोगे, आप कहोगे सर बहुत ईजी है, हमारे पास तो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, फेसबुक है, हम तो फटाफट ये सारी चीज़ें एक दूसरे को बता देंगे। तो यही है उन्नत संचार प्रणाली, इसका मतलब USSR के पास एक ऐसी संचार प्रणाली थी जिसके माध्यम से वो एक जगह की चीज़ दूसरी जगह पे फटाफट पहुंचा सकती थी, ठीक है, विद इन सम टाइम एक चीज़ को हर जगह स्प्रेड कर सकती थी, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। इंडिया की तरह नहीं कि इन द सेंस हम ये बात जो कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं 1917 से लेकर 1989 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं 2020 की बात नहीं कर रहा, अभी तो इंडिया के पास भी अच्छी संचार प्रणाली है, बट USSR आज से इतने साल पहले भी इतनी अच्छी संचार प्रणाली को लेके माना जाता था। तो आप देख सकते हो कि USSR क्या था, काफ़ी अच्छा था। साधनों पर राज्य का नियंत्रण, साधनों पर राज्य का नियंत्रण का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरकार के पास सारी चीज़ें होती थी, कि सरकार डिसाइड करती थी कि हमें किसको कितने बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस नहीं करना है, यानी सरकार के पास पूरा अधिकार होता था चीज़ों को डिसाइड करने का। ओके, व्यक्तियों को आज़ादी, ठीक है, तो USSR में अच्छी आज़ादी भी थी, क्यों, क्योंकि सबों के अधिकार क्या थे, समान थे USSR के अंदर, जिसकी वजह से व्यक्तियों को आज़ादी मिली हुई थी। सामुदायिक साझेदारी, सामुदायिक साझेदारी का मतलब क्या है, वहाँ पे जितने भी मतलब स्टेट्स थे या जितने भी पर्सन थे सबके सब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते थे। इंडिया की तरह नहीं कि एक स्टेट किसी कार्य को करने से मना कर रहा है और दूसरा स्टेट कर रहा है, या सेंट्रल कह रही है तो स्टेट काम नहीं कर रहे, ऐसा USSR में नहीं था, जो वहाँ की सरकार बोलती थी वहाँ की जनता और वहाँ के राज्यों को करना पड़ता था। हाँ, स्वप्नदर्शी, देखो स्वप्नदर्शी का मतलब क्या है, ये लोग ना बहुत बड़े लेवल पे सोचते थे चाहे वो ट्रू हो या ना हो, मतलब ये लोग गोल्स डिसाइड कर लेते थे बट उन्हें अचीव नहीं कर पाते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर सब कुछ सरकार के हाथ में होगा तो लोग आलसी भी होंगे, क्योंकि लोगों को अगर 6 घंटे की सैलरी के भी 50,000 रुपये मिल रहे हैं और 12 घंटे की सैलरी के भी 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 6 घंटे की सैलरी के 50,000 रुपये लेना पसंद करेंगे लोग। तो लोगों का क्या था, एक लाइफ में आलसीपन आ चुका था, उन्हें सरकार की चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। व्यक्तियों का क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना, ठीक है, तो व्यक्तियों का क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना इसकी क्या वजह है, देखो जो USSR की जनता थी उन्हें क्या लगा, देखो कि निजी अर्थव्यवस्था ही अच्छी अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था के अंदर हमें अच्छा मौका मिलता है अपने आप को डेवलप करने का, क्योंकि देखो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में तो आप कितना भी अच्छा एफर्ट कर लो आपको मिलेगा वही जो सरकार डिसाइड करेगी, बट निजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आप जितना अच्छा एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको गेन होगा। तो व्यक्तियों का क्रांतिकारी हो जाना, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है क्रांतिकारी की, ठीक कर लेना, ठीक है। अच्छा, शक्तियों का केंद्रीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी शक्तियाँ किसके हाथ में होती थी, एक मिनट, सारी शक्तियाँ किसके हाथ में होती थी, वहाँ की सरकार के हाथ में होती थी, तो सरकार डिसाइड करती थी कि हमें क्या करना है
और क्या नहीं करना है, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता था। चलो अगला टॉपिक है हमारा यूएसएसआर की समस्याएं। ठीक है, यूएसएसआर के अंदर कौन सी समस्याएं थी? तो देखो सबसे पहली समस्या कि वहाँ पे नौकरशाही और सरकार का दबदबा था आम जनता पर। नौकरशाही क्या होता है? तो कोई ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपने हमारे यहाँ सुना होगा इंडिया में आईएएस आईएफएस आईपीएस ऑफिसर, सबसे बड़ी पोस्ट सर्विसेज होती है, अलाइड सर्विसेज होती है, तो ये सारे नौकरशाह कहे जाते हैं। तो यूएसएसआर के अंदर इन लोगों का काफ़ी दबदबा हुआ करता था, जो ये लोग चाहते थे हमेशा वही होता था। ठीक है, तो आम जनता की ज़रूरतों को इनके द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता था। यूएसएसआर के अंदर लोकतंत्र का ना होना, जैसे कि आपको पता है कि शासन के सभी प्रकारों में, मतलब कुलीन तंत्र, बहुल तंत्र, राजतंत्र, गुणतंत्र, इन सबों में सबसे बेस्ट क्या है? लोकतंत्र है। तानाशाह और राजतंत्र तो अपने आप में ही थोड़े अलग से हो जाते हैं, तो इन सब में सबसे बेस्ट क्या? लोकतंत्र। और यूएसएसआर में क्या था? यूएसएसआर में लोकतंत्र तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकार जो चाहे वो करती थी, तो एक तरह से वहाँ पर एक ऐसी सरकार थी जो तानाशाह का रोल निभाती थी। ठीक है, तो लोकतंत्र ना होने की वजह से वहाँ की जनता खुश नहीं थी। भाषा एवं स्वतंत्रता का ना होना, ठीक है, दिखावे के लिए क्या किया गया था, वहाँ की जनता को स्वतंत्रता दी गई थी, बट वास्तव में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था और उन्हें भाषण देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती थी, उन लोगों के सारे जो राइट्स थे वो कर्व कर लिए जाते थे, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी और आम जनता क्या करती थी, सरकार के अगेंस्ट हो जाती थी। अच्छा, एक पार्टी दर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या था, साम्यवादी विचारधारा थी और एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो वो क्या करते थे, एक ही पार्टी का दबदबा होता था, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी, जब एक ही पार्टी होगी तो इलेक्शन हो या ना हो जीतेगा कौन? सिंपल सी बात है, एक ही पार्टी जीतेगी, और जब जीतेगी एक पार्टी तो सभी की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? सभी की ज़रूरतें तो पूरी हो ही नहीं सकती, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था कि आम जनता जो है ना वो सरकार के अगेंस्ट हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जनता की ज़रूरत और आकांक्षाओं को रूस द्वारा नज़रअंदाज करना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रूस का पुराना नाम क्या है, यूएसएसआर है, और वो अभी क्या है, रूस हो चुका है, यूएसएसआर अब रूस हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप मतलब इन द सेंस रूस जो है यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है। तो उस समय जो यूएसएसआर था वो आम जनता की ज़रूरतों की कभी बात ही नहीं करता था, वो करता था जो उसे खुद पसंद होता था, तो उसे उससे कोई मतलब नहीं है कि आम जनता क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा सिक्स पॉइंट क्या है कि रूस जो था, यूएसएसआर जो था, रक्षा साधनों पर अधिक खर्च करता था, तकनीक और आधारित संरचना पर कम करता था। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यूएसएसआर का आज का नाम रूस है, ठीक है, याद रखना, उसे इंग्लिश में रशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता था, यूएसएसआर जो रक्षा साधन होते हैं उस पर अधिक खर्च, मतलब हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अब हथियारों से आम जनता की ज़रूरतें तो पूरी नहीं होती, बट यूएसएसआर जो तकनीक थी और जो आधारिक संरचना थी उस पर खर्च नहीं कर रहा था। तकनीक और आधारिक संरचना, जैसे पता है आपको किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने देखा हाईवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, जब तक हमारी आधारिक संरचना अच्छी नहीं है तब तक हम अच्छा व्यापार नहीं कर सकते और ना ही हमारे देश में अच्छी खुशहाली ला सकते हैं। तो यूएसएसआर द्वारा ऐसी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा था और हथियारों को बनाया जा रहा था, और हथियारों से तो ना तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी ना तो आम जनता का भला होगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे रोकते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट हम बचे हुए टॉपिक्स इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो एकेडमी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।